नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम अंडर द टॉपिक मीट्रिक स्पेस। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम मीट्रिक स्पेस टॉपिक के अंडर। इससे पहले आज के वीडियो में मैं आपको खाली इसका इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि इसका जो हमने रियल एनालिसिस में कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम करी है उसके साथ में क्या लिंक है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। ये दरअसल कंप्लीटनेस टॉपिक का कैरेक्टराइजेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में क्या था। लेट A1 B1, A2 B2 and so on A n B n be a sequence of closed intervals such that An+1 Bn+1 contained in An Bn for all n belongs to z plus, if limit n tends to infinity Bn-An is equal to 0, then there is exactly one real number which belongs to all the intervals An Bn। तो ये हमारे पास में रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के अंडर हमने ये वाली थ्योरम कर रखी है, कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। इसका प्रूफ जो है मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर हमारे पास में सेट ऑफ इंटरवल्स होते हैं, इसकी सीक्वेंस होती है सच दैट कि हर एक जो नेक्स्ट इंटरवल है वो अपने प्रीवियस इंटरवल के अंदर कंटेन करता है। यानी A2 B2 जो है वो A1 B1 के अंदर कंटेन करेगा, A3 B3 जो है वो A2 B2 के अंदर कंटेन करेगा। इस तरह से ये सभी n बिलोंग्स टू z प्लस के लिए ये जो रिजल्ट है वो ट्रू हो रहा है। और सभी इंटरवल्स की लेंथ को जब हम इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, सभी इंटरवल्स की लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे, और उस लेंथ को जब हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, यानी कि जैसे जैसे आगे जा रहा है उस तरफ, तो हम देखेंगे अगर वो जीरो आता है तो हमारे पास में एग्जैक्टली एक इंटरवल हमें एक पॉइंट हमको जरूर मिलेगा, एक रियल नंबर जो कि हर एक ए एन बी एन के में बिलोंग करेगा। यानी एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि हर एक इंटरवल में होगा, ना तो वो एक से ज्यादा है ना वो एक से कम है, एग्जैक्टली वन रियल नंबर। तो ये वाली ऑलरेडी मैं आपको प्रूफ करके दिखा चुकी हूँ। अब ये सेम चीज, इसी का ही कॉन्सिक्वेंस हम यूज करने वाले हैं मीट्रिक स्पेस टॉपिक के अंडर, जो कि है हमारा कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंप्लीटनेस फॉर मीट्रिक स्पेसेस। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स जो हमारे पास में नेसेसरी कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशन एक तो कंटेनमेंट की है और दूसरा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको हम किस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं। हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन है, हम इसको लिख के बता देती हूँ मैं आपको, हाउ टू जनरलाइज द नोशन ऑफ इंटरवल्स An Bn with limit n tends to infinity Bn-An is equal to 0। हम इसको कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में जो ये वाली कंडीशन है, हाउ टू जनरलाइज ए
plus 1 bn plus 1 contained in an bn for all n belongs to z plus. तो इसको हम किस तरह से generalize कर सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसकी alternate form कि first ये है, ऊपर alternatives लिख देती हूँ, उसके alternatives इसके कुछ इस तरह से होंगे. First का alternative होगा we may either take closed sets with diameters tending to zero or closed balls with radii tending to zero सेकेंड है. फर्स्ट वाली को एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें क्या है, हमारे पास में हमने बताया है कि क्लोज्ड इंटरवल्स की जो लेंथ है वो जैसे हम इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं वो जीरो हो जाती है. तो यहाँ पर फर्स्ट वाली का अल्टरनेटिव हम क्या लिख रहे हैं कि हमारे पास में क्लोज्ड सेट्स का डायमीटर जो है वो जीरो को टेंड हो रहा है या फिर क्लोज्ड बॉल्स का जो रेडियस है वो जीरो को टेंड हो रहा है. आप आसानी से देख सकते हो अगर हमारे पास में कोई भी क्लोज्ड सेट है तो उसका डायमीटर क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो हमारी डायमीटर होती है वो टेंड्स टू जीरो हो रही है, या फिर हमारे पास में अगर कोई बॉल है तो उसका रेडियस जो है वो जीरो की तरफ टेंड होना चाहिए. सेकेंड है वी मे इंट्रोड्यूस the notion of a nested sequence of sets. nested sequence का मतलब क्या होता है, second case में हम जहां पर ये containment की बात करी गई है हम nested sequence के concept को introduce कर सकते हैं. अब nested sequence का मतलब क्या होता है, a sequence a n of sets is said to be nested if a n plus 1 contained in a n for all n belongs to z plus. तो हम जो ऊपर की पूरी थ्योरम है उसको हम किस तरह से रीराइट कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, जनरलाइजेशन फॉर्म. लेट सीक्वेंस एफ एन बी अ नेस्टेड सीक्वेंस of closed sets with diameters tending to zero, या फिर हम इसको लिख सकते हैं respectively closed balls with radii tending to zero in a complete metric space, then intersection of Fn such that n belongs to z plus consist of exactly one point. तो ये हमारे पास में इसकी generalization form हो जाती है. K
कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम की, इसको इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म क्यों कह रहे हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमने डिस्कस किया है कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, वो हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स के केस में करा है, जो कि हमारे पास में अपने आप में एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, जो कि हम स्टार्टिंग में ही कंप्लीटनेस शुरू करते ही प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें जब हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स के केस में कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम प्रूव करी थी, तो हमने जो कंडीशंस ली है वो सभी के सभी रियल नंबर्स को ध्यान में लेते हुए ली गई है, इंटरवल्स को ध्यान में लेते हुए ली गई है। लेकिन हम उसको, हमारे पास में ये रियल नंबर हो गया और हम बात कर रहे हैं इन जनरल मैट्रिक्स स्पेस की, यानी इसके बड़े रूप की। हमारे पास में हम बात कर रहे हैं इन जनरल मैट्रिक्स स्पेस जिसका एक हिस्सा है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें ऐसे बहुत सारे और भी स्पेसेस हैं, तो हमें प्रॉपर्टी जो पता है वो खाली सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए पता है, जो कि ये R है। लेकिन इसके अलावा हमें इस चीज को पूरे के पूरे सेट ऑफ, जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स स्पेस है और भी हमारे पास में जो स्पेसेस आ रहे हैं उनके लिए भी हमें इसको प्रूव करना है। तो हमारे पास में जो हमें थ्योरम में कंडीशन दी गई है, हमें उनको भी जनरलाइज करना होगा, क्योंकि हम जब सेट ऑफ रियल नंबर्स ले रहे थे तो वहां पर खाली इंटरवल्स थे। अब हम इसको ब्रॉड करते हुए कोई भी एक स्पेस के लिए इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस को, जहां पर वी मे टेक आइदर क्लोज सेट्स विद डायमीटर टेंडिंग टू जीरो और क्लोज बॉल्स विद रेडियस टेंडिंग टू जीरो, और हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स का। तो इस तरह से ये जो दोनों कंडीशन है उसको जनरलाइज कर दिया गया है, जिससे हमारे पास में जो कंक्लूजन आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो इस तरह से जनरलाइज हो जाता है कि सभी सेट्स का जो इंटरसेक्शन आ रहा है उसके अंदर एग्जैक्टली वन पॉइंट रहेगा। ये जो थ्योरम है, ये जिसने इन्वेंट करी है, जिसका नाम, जिन मैथमेटिशियन का नाम है जॉर्ज कैंटर, उनके नाम पर इस थ्योरम का नाम पड़ा गया है। इसके दो वर्जन्स हैं। फर्स्ट वर्जन में हम बात कर रहे हैं कि क्लोज्ड सेट्स विद डायमीटर टेंडिंग टू जीरो, और सेकंड केस में हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड बॉल्स विद रेडियस टेंडिंग टू जीरो। रियल नंबर्स के केस में हमारे पास में इसकी खाली एक ही स्टेटमेंट थी, लेकिन जब हम मैट्रिक्स स्पेस कर रहे हैं यानी कि एक्स डी, तो हमारे पास में इसके दो वर्जन्स बताए गए हैं। तो फर्स्ट वर्जन है ये वाला, जहां पर हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड सेट्स विद डायमीटर्स टेंडिंग टू जीरो, ये हमारा फर्स्ट वर्जन है। और सेकंड में हमें बताया गया है कि रेडियस टेंडिंग टू जीरो फॉर क्लोज्ड बॉल्स। तो ये दोनों वर्जन हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। बहुत हद तक जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा कैंटर्स इंटरसेक्शन फॉर रियल नंबर्स ऑल्सो। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद में आज के वीडियो को, तब जाकर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।